कटर और हम कर रहे थे ऑटोकैड की 3D। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कुछ कमांडें सीखी थी, जैसे एक्सट्रूड कमांड सीखी थी, रेक्टेंगल लाइन वगैरह कैसे लगाना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो आज हमारा मकसद क्या है, आज हमारा मकसद है ये ड्राइंग, एक दो ड्राइंग बनाएंगे, हमारे पास कुछ 3D की ड्राइंग्स है। ठीक है, तो हमारा मकसद है कि हम ऑटोकैड में कोई 3D की ड्राइंग कैसे बनानी है वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप पूरी ट्यूटोरियल देखेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने पहले वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो पहले वो देख लेंगे तो और ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा, पर अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं है, हम ये इसमें भी शुरू से ही बनाएंगे और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हमारे को क्या करना चाहिए। वीडियो देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वीडियो साथ साथ खोल लो, साथ साथ कंप्यूटर भी खोल लो, ताकि जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूँगा वैसे वैसे तुम भी करोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर ये PDF फाइल चाहिए आप मेरे को तो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको वीडियो ये PDF फाइल शेयर कर दूँगा, ताकि आप इसमें से देख के ड्राइंग वगैरह बनाने की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, 90 के करीब पेजेस हैं इसमें, मैं सारी आपको फाइल सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमारे को, नई फाइल खोलनी। ठीक है, और हमारे को इस ड्राइंग में देखो बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि थिंक लाइक ए कारपेंटर, जैसे कारपेंटर सोचता है वैसे अगर हम सोचेंगे तो हमारे को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और कारपेंटर भी हम हाईटेक कारपेंटर हैं, वैसे कोई छोटे मोटे कारपेंटर नहीं, बढ़िया वाले का हमारे पास वायर कट लगी हुई है। ठीक है, बहुत सारा काम हम इजीली जल्दी का से कर सकते। तो यहाँ पे देखो एक एक्स की डायरेक्शन दिखा रहा है, तो यानी हम इसका पहले फ्रंट व्यू बना लेते हैं। थोड़ा सा डायमेंशन याद रखने की कोशिश करेंगे, 72, 6, 145 और 25। ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन लगी हुई है और तो ऑन कर लेता हूँ मैं 72 और ये है 6 और टोटल है 145। ठीक है, तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ, एक लाइन मेरे को यहाँ पे पता है कितनी की है, ये 90 की। ठीक है, तो यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 2D ड्राइंग आती होगी। ठीक है, अगर आती है तो बहुत इजीली हमारे को समझ में आ जाएगा कि हमारे को ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग कैसे बनानी है। ठीक है, तो हम इसको ऑफसेट कर देते हैं 145, इसको इधर। ठीक है, और एक लाइन में लगा देता हूँ यहाँ से इधर, और 25 ऊपर गए हैं हम। ठीक है, मैं ड्राइंग दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये हमारे पास 90 है और इधर से 36 है, तो यानी कि ऑफसेट कर देता हूँ मैं 36 फ्रॉम दिस लाइन, और इनको मैं मिला देता हूँ, फालतू की लाइन को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से 90 ऊपर जाके एक लाइन लगा देंगे, फालतू का ट्रिम कर देंगे, ये लाइन का कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर दो, फालतू का ट्रिम कर दो। ठीक है, तो मैंने कुछ उसके जैसा मिलता जुलता है एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, चाहे देंगे तो हम ये वाला कट भी साथ ही बना सकते हैं, 24 और 12 है ना, और नीचे से 30। तो यहाँ से एक लाइन लगाई मैंने 24, 12, इसको नीचे ले आते हैं और नीचे से 30 है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ से 30 है इधर। ठीक है, तो फालतू की लाइनों को ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे को पता है ओवरलैप हो गया, यहाँ पे भी हमारे को पता है ओवरलैप हो गया, नहीं तो एक कमांड होती है ओवरकिल, उससे भी हम इसको डिलीट कर सकते थे। तो जैसा हमारे को फ्रंट व्यू नज़र आ रहा था वैसा हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था, हमने रीजन करना था, तो हमने यहाँ पे रीजन कमांड ली, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और रीजन कर दिया। ठीक है, जैसे ड्राइंग में पड़ा है वैसे ही रख लेंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे 72। तो एक्सट्रूड कमांड लेके मैं इसको सेलेक्ट करके 72 कर देता हूँ। ठीक है, शेड चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उस वीडियो की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये काम मेरा हो गया इतना। अब हम ड्राइंग देखते हैं। अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट स्टेप करना है कि मुझे यहाँ पे ये शेप बनानी है। ठीक है, तो ये 50 है और ये 24 है, ये भी 24 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फेस यूसीएस, मैंने तुम्हारे को बताया था क्योंकि एक्स वाई पे काम होता है तो हमारे को उस फेस के ऊपर एक्स वाई लेके आना पड़ेगा जहाँ पे मुझे काम करना है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको क्लिक करना है कि एक्स वाई उसके ऊपर आए भी। ठीक है, ये नहीं हम कह सकते कि हमने तो कहा था, हमने तो किया था। ठीक है, आपने किया तो उसके बाद वो आना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं अगर हिडन कर देता हूँ तो ये हमारे को ऐसे नजर आने लग जाएगा। यहाँ से मिड पॉइंट से मैं एक लाइन लगाता हूँ 50 की और एक सर्कल बना लेता हूँ 24 डायर, तो यानी 12 का रेडियस हो गया। और एक लाइन में यहाँ से सीधी लगा सकता हूँ, एक लाइन में यहाँ से भी सीधी लगा सकता हूँ और एक लाइन में यहाँ से भी सीधी लगा सकता हूँ। फालतू का ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर वायर फ्रेम कर लेंगे तो और अच्छे से नजर आएगा। फालतू का ट्रिम कर दो, क्योंकि हमारे को रीजन करना है इसलिए हमारे को फालतू की लाइनों को ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लाइन को भी ट्रिम कर देता हूँ क्योंकि हमारे को इतना पोर्शन बीच वाला ही चाहिए, तो ये बीच वाले पोर्शन को मैं सिलेक्ट करके रीजन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखा आ गया 1 रीजन क्रिएटेड। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर लूँगा क्योंकि मुझे माइनस में जाना है, तो मैं माइनस में वैल्यू भर देता हूँ, जितनी मर्जी भर दो क्योंकि उसने तो सब्ट्रैक्ट हो ही जाना। तो सब्ट्रैक्ट इसमें से एंटर, इसको एंटर, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं शेड चेंज करके दिखाऊं तो ये शेडेड विद ग्रे करेंगे ना तो ये और अच्छा से नजर आएगा। ठीक है, ग्रिड को मैं बंद कर देता हूँ तो और अच्छा नजर आएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा देना है, बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि इजीली आपको सारी कमांड जो है समझ में आती जाए, स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी कमांड है, रिवॉल्व की कमांड है, लॉफ्ट है, स्वीप है, मैं सारी स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। ठीक है, तो अब सेकेंड स्टेप मेरे को करना है, यहाँ से हमारे को दे रखा है 42 और 42 वाले पॉइंट से हमारे को दे रखा है एक 24 का सर्कल और एक 30 का सर्कल, तो बड़ा आसान है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो फेस यूसीएस ले लेना है। ठीक है, और एक 42 पे लाइन लगानी है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे ना एक होता है डायनेमिक यूसीएस, ये बंद होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर ये बंद नहीं होगा तो ये आपको दिक्कत करेगा, तो इसलिए कोशिश करो उसको बंद ही रखो। और यहाँ से मिड पॉइंट से मैं 42 की एक लाइन लगाता हूँ और एक हमारे को चाहिए 30 का सर्कल और एक हमारे को चाहिए 12 का, है ना। तो एक 24 था ना, 24 डायमीटर था तो 12 का सर्कल हो गया। ठीक है, और ये जो बड़े वाला सर्कल है 30 सर्कल है, ये 12 तक कटा हुआ है और जो 24 वाला है वो थ्रू हॉल है, तो हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। देखो एक तरीका सिखा रहा हूँ एक्सट्रूड करने का, इसको सेलेक्ट करो। अब मैं वैल्यू नहीं भर रहा, मैं ये वाले एंड पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, वो अपने आप वहाँ तक चला जाएगा और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट इसमें से एंटर, इसको एंटर। ठीक है, ऐसे ही मैं अब इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ और सब्ट्रैक्ट इसमें से एंटर, इसको एंटर। थोड़ा ज़्यादा इसलिए कर लेते हैं ताकि सिलेक्शन करने में आसानी हो, है ना। अब छोटा सा काम रह गया, यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे है 50 के डिस्टेंस पे 6 की डेप्थ है, यहाँ पे हमारे नहीं है तो हम वो भी बना लेते हैं। फेस यू से हमने ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, एक्स वाई देखो ध्यान से, तो इस साइड जाना है हमारे को 50, नीचे हमें जाना है 6 और इसकी सीध में आ जाना है और यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर ये वाली लाइन भी लगानी ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज वो रीजन नहीं होगा। तो रीजन करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो रीजन हो गया और इसको एक्सट्रूड कर देंगे क्योंकि तो हमारे को ड्राइंग में गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ तक एक्सट्रूड कर देता हूँ। अब
ये बॉडी अलग हो गई, ये अलग हो गई, क्योंकि दोनों को अलग अलग एक्सट्रूड किया। तो यहाँ पे हमारे पास कमांड है यूनियन, यूनियन कमांड लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर देता हूँ साइड में तो फालतू की लाइनें वहीं की वहीं रह जाएंगी, तो इनको मैं को डिलीट करना ईजी हो जाएगा, नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ना था। तो ये ड्राइंग हम बनाना चाह रहे थे। ठीक है, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था इसका कलर वगैरह का हम चेंज करना है, तो हम प्रॉपर्टी में जाके इसका ऑब्जेक्ट का जो है कलर चेंज कर सकते हैं, और अगर ना नज़र आ रहा हो तो हमारे को यहाँ पे रियलिस्टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फेस का कलर चेंज करना है तो वो फेस सेलेक्ट कर लो, कलर फेस, और उसका वो फेस का कलर दे दो। जिस भी फेस को मुझे चेंज करना है तो कलर फेस, एंटर, और जो भी कलर आपको देना है वो सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, कलर फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर, और जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर हम सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, फेस ध्यान से सिलेक्ट करना है, हाईलाइट होगा जब भी सिलेक्ट होगा ना तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, कलर फेस लो, फेस सेलेक्ट करो, एंटर करो, जो भी कलर चाहिए। ठीक है, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, वो हमारी इच्छा है, जैसा मर्जी कर सकते हैं। तो हमारा मकसद था ये ड्राइंग बनाने का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो ये ट्यूटोरियल को अगर आप एक दो बार देखोगे ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये वाला ट्यूटोरियल भी देख लो, इससे पहले वाला ट्यूटोरियल भी देख लो, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारे को ऑटोकैड में 3D कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में चेंज करने की, ताकि सारा कुछ समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आई है तो जितने भी दोस्त लोग ऑटोकैड सीख रहे हैं या ऑटोकैड जिनको आती है उनके साथ वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर बन जाती है तो मेरे को फ़ोटो खींच के इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। ठीक है, अगर PDF फाइल चाहिए तो भी मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको PDF फाइल शेयर कर दूँगा।